बात जब भी जौहर की जाती है तो लोगों के मन में बस चित्तौड़ की महारानी पद्मावती आती है। पर अगर आप राजस्थान और राजपूतों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ऐसे ही हजारों बलिदान मिलेंगे। जौहर वैसे तो आग में प्रवेश करके ही किया जाता था, लेकिन राजस्थान के इतिहास में एक अनोखा जौहर भी हुआ है जो आग में नहीं बल्कि पानी में कूद कर किया गया था। ये राजस्थान का पहला और आखिरी जल जौहर था जो रणथंभौर दुर्ग में सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय ही किया गया था। लेकिन खिलजी अपनी लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ के राजा हमीरदेव चौहान को हरा नहीं पाया। यहाँ तक कि यहाँ के चौहान वीरों ने खिलजी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। खिलजी सेना को भागता देख उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके झंडे छीनकर राजपूत दुर्ग की तरफ आने लगे। बस यही इनसे एक गलती हो गई। खिलजी झंडे दुर्ग की तरफ आते देख अंदर मौजूद रानियों को लगा कि हम युद्ध हार गए, और जौहर की तैयारियां ना होने पर हमीरदेव चौहान की महारानी रंग देवी और बेटी पद्माला के साथ हजारों राजपूतानियों ने अपने पैरों में पत्थर बांधकर तालाब में कूदकर जल जौहर किया। जब हमीरदेव चौहान को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपने हाथों से अपना शीश काटकर स्वर्गारोहण किया। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।